ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फारिया उस्मानी है। मैं जनरल सर्जन हूँ, FCPS फेलो हूँ, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ। मैंने आज का हमारा टॉपिक है, कुछ ज़रूरी मालूमात शेयर करनी है आप लोगों से, वो है पित्ते की पथरी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। गॉल स्टोन्स या कॉलीलिथियासिस, ये बेसिकली है क्या? पित्ते में पथरी होती क्या है? पित्ते में पथरी की दो तीन अकसाम होती हैं। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, बाइल स्टोन्स होते हैं और मिक्सड स्टोन्स होते हैं। दूसरी बात ये कि ये किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ये जो फेयर कलर की 40 से ज़्यादा उम्र की खातून, जिनके बच्चे हों, ओबेसिटी यानी मोटापा, ये इसके बेसिक कॉजेज़ हैं। ये और ये इवन मेल्स में भी होती है, मर्दों में भी ये पाई जाती है, मगर मर्दों में कम होती है। ख़वातीन में इसका रेशियो तनासब जो है वो ज़्यादा है। ये किस तरह प्रेजेंट करती है? इसकी अलामतें जो हैं वो इस तरह से हैं कि मैदे में दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, सीधे हाथ दाएं हाथ की तरफ जो है दर्द होता है पसलियों के नीचे, जो कि पीछे बैक में जाता है, और कभी कभी सीधे कंधे पे भी दर्द होता है। पेट, लोग कहते हैं कि मेरा फूलता हुआ महसूस होता है, गैस की शिकायत है, उल्टी मतली भी महसूस होती है। ये पित्ते की सर्जरी है। समटाइम्स इसको हम ये कह के बदहजमी हो गई का इस वजह से इसको हम इग्नोर करते हैं और हम दूसरी दवाएं लेते रहते हैं या करीब से या जो घरेलू चुटकुले होते हैं वो इस्तेमाल करके हम इसको दबाते हैं, मगर इसको नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अगर ना सही हो रहा हो तो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड पे ही पित्ते की पथरी पकड़ी जाती है। ये ख्याल भी बिल्कुल गलत है। लोगों का एक आम ख्याल है कि पित्ते की पथरी है तो क्या हुआ, स्टोन्स पड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ख्याल गलत है। इसका जो हल है वो ऑपरेशन है और ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं है। दवाओं से इसका हल नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए ट्राई भी ना करें कि आप दवाओं से कि पथरी घुल जाए। हाँ, ये हो सकता है कि उसके गिर्द जो इन्फेक्शन आया हुआ है वो एंटीबायोटिक थेरेपी से या दर्द की दवा या वक्ती तौर पे कोई भी इस तरह की दवा ले लें जिससे मेदे की जलन दूर हो सके, तेजाबियत कम हो, लेकिन असल इलाज इन पित्ते की पथरी का सिवाय ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं है। ऑपरेशन में दो तरह के होते हैं, कट लग के बड़ा, जो कि आजकल अब नहीं होता या बहुत कम होता है या बहुत मजबूरी के आलम में होता है, वरना ज़्यादातर जो होता है वो कैमरे के ज़रिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। लेज़र नहीं होती कि कोई ऊपर से शुआएँ मारी जाएं, बल्कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिससे पित्ता निकाला जाता है। लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि पित्ता निकल जाएगा तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, हम चर्बी नहीं खा सकेंगे, हम आलू नहीं खा सकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। बल्कि ये जब आप के जिस्म में होती हैं पित्ते की पथरियाँ, तो तब आप जो भी फैटी मील खाते हैं यानी चिकनाई मुरगन ग़ज़ाएँ या दूध वाली अशिया लेते हैं तो ये दर्द और भारीपन ज़्यादा महसूस होता है। ये होने के बाद नहीं है। ये पित्ता बेसिकली एक स्टोर हाउस है जो कि बाइल को स्टोर करता है। इसका निकलने के बाद इसका फंक्शन जो है वो जो हाजमे का वो लिवर ले लेता है, तो इसके निकलने से नुकसान नहीं है। बहुत से लोगों का यह ख्याल होता है कि पड़ ही रहें तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसका मैं एक बात बता दूं कि इसमें ये डर होता है कि अल्लाह ना करे कि ये स्लिप हो के इसकी जो नाली होती है जो कि बहुत बारीक होती है उसमें चली जाए, फिर उससे इसकी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, यरकान होता है, और फिर आपको ERCP या मुँह के ज़रिए नाली डाल के पत्थर निकालना की ज़रूरत पेश आती है और फिर भी ऑपरेशन करना पड़ता है। 65 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में तो बल्कि ये अगर स्टोन्स क्रॉनिक कॉलीसिस्टाइटिस के बार बार दर्द हुआ, उसका नहीं बरवक्त इलाज किया, तो चांसेस होते हैं कि पित्ते का कैंसर भी बन सकता है। मेल्स में ख़ास तौर पे जो है होता ही बहुत कम है, लेकिन ये कि उनको करवा लेना चाहिए। दूसरी और कॉम्प्लिकेशंस में इसमें पस पड़ने की होती है, एम्पायमा कहते हैं या पोर्सलिन गॉल ब्लैडर हम कहते हैं, वाइट कलर का भी वो सील हो जाता है।
इंतहाई शिद्दत का दर्द होता है, बुखार भी चढ़ता है, उल्टी मतली होती है, और तो इसलिए बेहतर है कि इसका ऑपरेशन करवाना, इसका बरवक्त इलाज करना, जैसे हम और के अल्लाह ना करे किसी को कोई मर्ज़ लाहक हो तो करते हैं, तो इस तरह से इसका हमें इलाज करना चाहिए। शुक्रिया।